ऐसा आप देखिए, जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ, अब ये है मेरा मोबाइल, हाँ, ये मोबाइल एक कंपनी ने बनाया, हाँ, अब ये मोबाइल किसने बनाया? कंपनी, कंपनी ने बनाया, किसका मोबाइल है ये? आपका, मेरा है। अब सोचो, अगर ये मोबाइल रो रहा है, अगर ये मोबाइल रो रहा है, तो ये कंपनी इस मोबाइल के लिए कुछ कर सकती है? नहीं। कर सकती है? नहीं। नहीं? क्यों? क्यों? कर सकती। ये कंपनी इस मोबाइल के लिए कुछ कर सकती है? नहीं कर सकती है? नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? कर सकती है। कैसे करेगी? ठीक करेगी उसको। वो कंपनी, अगर मोबाइल रो रहा है तो कंपनी कुछ करने वाली है मोबाइल के लिए कि नहीं करने वाली? ठीक करेगी कंपनी से। अब मेरा फोन है, मैं इसे कैसे भी इस्तेमाल करूं? नहीं, अल्लाह ताला तो सब चीज पे पावर रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इंसानों को अल्लाह ताला ने कुछ अच्छा बुरा करने का चॉइस दिया। अच्छा करना है अच्छा करो, बुरा करना है बुरा करो। अल्लाह की मर्जी के आगे किसी की मर्जी नहीं चलती। लेकिन जहां जो अल्लाह ताला ने चॉइस दिया, मैं आप सबसे सवाल क्या पूछ रहा हूँ, ये कंपनी इस फोन के लिए नॉर्मली कुछ नहीं कर सकती। अगर मैं इसे फेंक भी दूं तो कंपनी जाके वापस उठा नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि किसका है फोन? आपका, मेरा है। ये बताओ कि अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन को बनाया, बना करके क्या अल्लाह ताला ने किसी और को मालिक बनाया? नहीं। हर चीज का बनाने वाला कौन है? अल्लाह। हर चीज का मालिक कौन है? अल्लाह। हर चीज का मालिक कौन है? अल्लाह। कोई और है मालिक? नहीं। कुरान में पढ़ते हैं हम लोग, बार बार कुरान में आता है, लिल्लाही मा फिस समावाती व मा फिल अर्द, अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ जमीन पर है। जो कुछ आसमान पर है, जो कुछ जमीन पर है, किसका है? अल्लाह का है। किसका है? अल्लाह का हक है। अच्छे बताओ, ये शार्पनर किसका है? मेरा। आपका है? लेकिन जो भी है आपका, जो भी है आपका, वो दुनिया में है। अल्लाह ताला हमें देते हैं आजमाने के लिए। मान लो आपके पास इतनी चॉकलेट्स है, हाँ, मान लो कि आपके पास 50 पेंसिल आ गए, सब पेंसिल आपके पास आ गए, सपोज, हाँ, सपोज आई नहीं तो फिर आप जाएंगे दुनिया से तो सब पेंसिल लेके जा सकते हैं? नहीं। फिर क्या होगा, ये पेंसिल्स कहाँ रहेगी? ये दुनिया में ही रहेगी। फिर कोई और मालिक बन जाएगा, हाँ? हर चीज का मालिक कौन है? अल्लाह। अल्लाह है, अल्लाह ताला के हाथ में सब कुछ है, हाँ, सब कुछ है। हर चीज का कंट्रोल करने वाला कौन है? अल्लाह। तो बनाने वाला भी अल्लाह है, मालिक भी अल्लाह है, चलाने वाला भी अल्लाह है। ये बात हमें याद रखना है, क्योंकि अगर ये बात आपको याद रहेगी तो याद रखो बच्चों, दुनिया में हम सब कमजोर हैं, हमारे पास जो ताकत है ना, लिमिटेड है। अल्लाह ताला कौन है? सबसे ज्यादा ताकत वाला है। अल्लाह ताला के पास हर चीज का कंट्रोल है। अगर आप अपना रिलेशन अल्लाह के साथ अच्छा कर लो तो आप बहुत स्ट्रांग बन जाओगे। लेकिन अगर आप अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक नहीं जोड़ो तो वो आप कमजोर इंसान हो। बस हम लोग इंसान हैं, लेकिन अगर अल्लाह ताला से ताकत जोड़ दी अगर हमने, तो हम स्ट्रॉन्ग, क्योंकि अल्लाह ताला कौन है? अल्लाह के हाथ में सब कुछ है। इंशाल्लाह याद रखेंगे। ये हो गया ईमान के बारे में। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। iPlus TV, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या DTH ऑपरेटर से iPlus TV आज ही डिमांड करें। iPlus TV फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।